चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके थे पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आपसे देखते हैं, कहा गया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो समझ लो 5 अंकों की, पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख लें यार, 5 अंकों की। इससे बड़ी हो सकती है क्या 5 अंकों की संख्या? जी नहीं, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है। नेक्स्ट कहा गया, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32। क्या क्या भैया नंबर थोड़ा बोलना, 12, 16, 18, 24, 32, 36। 18, 24, 32, बस इतना, 36 नहीं है, 32 तक। तो में से यानी कि 12, 16, 18, 24, 32 में से समझ लो लासा, में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। यार प्रत्येक से पूर्णतया जो विभाजित होती है, प्रत्येक से विभाजित होती है वो संख्या सिर्फ लासा होती है, और प्रत्येक को विभाजित करती है वो मासा होती है। ये चीज हम कई बार कहते हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये चीजें सेव हो जाए। तो आइए, लेकिन हमें तो 5 अंकों की चाहिए। 5 अंकों को अभी आप जाइए भूल, हम सीधे सीधे अभी आप निकालेंगे इनका लासा। तो आइए हम लोग इसका लासा निकालते हैं। तो जो है लासा निकालना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, देखिए लासा निकालने का वैसे कई तरीके हैं यार। इससे निकालेंगे तो आप इससे निकाल लेना, ऐसे करके 2 से 4 से काट काट। तो हमने क्या किया, एक और हम मेथड आपको बताते हैं लासा निकालने का। वैसे तो हम फैक्टर करेंगे इसके सबके, ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं। चलिए फैक्टर कर लेते हैं। जैसे इसको हम ले लेते हैं 3 × 4, ठीक है, और 6 × 12 क्यों नहीं लिखा ये हम पहले बता चुके हैं लेक्चर में। 16 का हम लोगों को पूरा 16 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 8 × 2 नहीं लिख सकते, 2 × 2 = 8 कट जाएगा, 4 × 16 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमको 16 का 16 लिखना पड़ेगा। क्यों 16 लिखना पड़ेगा? क्योंकि 16 में 2 के सिवा कुछ नहीं, 2 × 2 × 2 ही तो है सब। इसलिए 18 को हमको लिखना पड़ेगा 2 × 9, 24 को हम लोग लिखेंगे 3 × 8, 32 को हम लोगों को पूरा 32 लिखना पड़ेगा क्योंकि 32 में 2 के सिवा कुछ नहीं है। और जब दो मतलब एक ही संख्या कई बार हो तो पूरा लेते हैं, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में 27 लिया था। तो हमने कहा था सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, सबसे बड़ा 32 ले लेंगे, 32 ले लिया, उसके साथ में 8 चला गया भाई, 32 के नीचे ही तो 8 आता है, ये 2 भी चला जाएगा भाई, ये 16 भी चला जाएगा, ये 4 भी चला जाएगा, 32 में ये सब चला गया। अब हम इसके बाद में नंबर ले लेते हैं 9। तो 9 यहां से लिया, तो यहां से 3 गया, यहां से 3 गया, बस ये हमारा लासा है, ठीक है, बस इसकी इंटो करा लेते हैं। तो 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 और 1 = 28। 288 जो है हमारा क्या है, इसका एलसीएम है, इसका जो एलसीएम है वो कितना है, 228 है। लेकिन हमें तो चाहिए 5 अंकों की, और वो भी बड़ी से बड़ी हो, और ऐसी संख्या हो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो एक बात कान खोल के सुन लो कि लासा में चाहे जितने से गुणा करा लो, क्या फिर से सुनना, लासा में चाहे जितने से गुणा करा लो वो हमेशा जिसका जिन संख्याओं का आपने लासा निकाला है उससे हमेशा डिवाइड होगी। लासा में चाहे जितने से आप गुणा कराओ, जिन संख्याओं का आपने लासा निकाला है उन संख्या से वो सदैव डिवाइड होगी। चलिए देख लेते हैं भाई ये बात, जैसे हमने कहा 3 और 4 का लासा अभी हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था 12, हमें हम 3 से गुणा करा दें तो कितना होगा 36। तो 3 से नहीं कटता क्या, 4 से नहीं कटता क्या, कटता तो है। चलिए हम इसमें 2 से गुणा करते हैं 24, 3 × 8 = 24, 4 × 6 = 24, कटता नहीं कटता। इसका मतलब है ये लासा में जहां जितने से गुणा कराओ, जहां जितने से गुणा कराओ, मतलब पूरा नंबर से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, अब तुम कहो 0.3 से करा रहे हैं ये बात नहीं कहना है, पूरा एक परिमेय संख्या, ठीक है, तो आप भी बड़ा दिमागी है ना। तो 12, 16, 18, 24, 32 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब इससे तो ये संख्या 288 डिवाइड है, 12, 16, 18, 24, 32 से कौन सी संख्या डिवाइड है, 288, लेकिन ये 288 5 अंकों की नहीं है। तो हमको इसमें ऐसी गुणा करानी है, ऐसी गुणा करानी है कि 5 अंकों की बन जाए और सबसे बड़ी बन जाए। तो यार अंतर है, हम तो है नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अप्रोच चाहिए, क्या? तो आइए देखते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये चीज आप समझ लें, हम 288 को लेंगे और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग कराएंगे। ये देखिए हमने 5 अंकों की संख्या कितनी बार जा रहा है, एक थोड़ा आइडिया लगा के बता दो। यहां मान लेते 300, तो कितनी बार जाता, 3 बार जाता, 3 × 9 = 900 हो जाता, 3 × 8 = 24 × 4 हंसी लग गया, 2 × 3 = 24 और 2 = 26, 3 × 2 = 8,
9 में 4 गया 5, 9 में 6 गया 3, 9 में 8 गया 1, 135 बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक 9 को डिनोट करेंगे। अब फिर यहाँ पर आप 300 को मान लीजिए, लिखा हुआ 300, 3 गुणे 4 1200 होता है, 3 गुणे 5 कर दो 1500 जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें 400 ही लग जाएगा। 4 8 में 32 के 2 हंसी लग गया 3, 4 8 में 32 और 3 35, 4 2 8 और 3 11 घटाएंगे, 9 में 2 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2। अब हम फिर नोट करेंगे 9, ये अब नहीं 9 बचा नोट करने को। अब 300 मानिए, 300 इसको 300 में ऐसी गुणा कराओ कि 2000 के समथिंग पहुंच जाए, 3 7 21 मतलब 3 7 21 तो लगभग मैं 7 बार जाने की उम्मीद है, तो आइए हम इसको 7 बार ले जाते हैं। तो 7 8 56 के 6 भाई 7 8 56 के 6 हासिल लग गया 5, 7 8 56 और 5 61 का 1 हासिल लग गया, हासिल लग गया कितना 6, 7 2 14 और 6 20, तो 9 में 6 गया 3, 9 में 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, तो अब ये हमारा बच गया 63। अगर ये 63 ना होते, अगर ये 63 ना होते तो हमारा पूरा पूरा भाग चला गया होता, ये 63 की वजह से भाग नहीं जा पाया। तो अगर हमको मतलब बुकों में जो क्या लिखा होगा कि 288 गुणे 343 यार तुम गुणा कर पाओगे क्या, शाम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो हमको क्या करना है, देखो 288 गुणे 343 जितना तुम गुणा करके तब प्राप्त करोगे, तो हम तो 9 में से 3 घटाएंगे बचेगा 6 और 9 में से 6 घटाएंगे बचेगा 3 और ये 3 9 बचेगा, बस यही वो संख्या है 999936 यानी कि 99936 संख्या है ये, जो है 5 अंकों की है, वो भी बड़ी से बड़ी है, लेकिन 5 अंकों की ये कंडीशन है कि 12 16 18 24 32 किसी से भाग करा के देख लो पूरा पूरा डिवाइड होगा, बस चेक कर लीजिए हो जाएगा ना, ठीक है। तो आइए हम फिर से एक बार इसको ओवरव्यू कर देते हैं कैसे, कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे लेते हैं इसी 12 16 18 24 32 से विभाजित करना हो और कोई कंडीशन लगा दे कि 3 अंकों की हो बड़ी से बड़ी, अब यहाँ समझ लेना, अब यहाँ पर भी कहा गया बड़ी से बड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुम मासा निकाल के रख दो यार, बड़ी से बड़ा ये इस 5 अंकों के लिए कहा गया है, इनके लिए थोड़ी कहा गया बड़ी से बड़ा, जब इनके लिए कहा जाए तब की बात, हमने यही बात पीछे वाले पहले वाले लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, तो जो है इनका हमें लेना है एलसीएम, और एलसीएम में जो भी कहे 3 अंकों की 2 अंकों की 5 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या में भाग कराने लगेंगे, और लास्ट में जितना शेष बचे ना, जितना शेष बचे वो शेष बड़ी से बड़ी वाली संख्या में से घटा देना, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बस अलग लिख के मत घटाना, यही में घटा दिया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3 बचा, ये 9 3 बार लिख दिया, यही हमारी संख्या है। आइए समझ पाए, हम हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहे हैं, अगर मैं सारा एलसीएम एंड एलसीएफ कराऊंगा तो कम से कम 150 क्वेश्चन होगा, आपके समझ में नहीं आएगा, हम भी करा नहीं पाएंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है, बड़ी मेहनत टाइम निकाल के आपके साथ मैं लेक्चर को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप जो है क्या रहना कि एसी चल नहीं सकता, क्योंकि एसी में ना ये जो है हम मिटाते हैं ना, तो ये मिटता नहीं है, फैन चलाओ तो आपके इसमें कैमरे में आवाज आएगी, क्योंकि फिर आप कहेंगे सर ये आवाज आती है ना, इसीलिए तो फैन सारा चीजें बंद करना पड़ता है, और रूम भी बंद है तो फैन भी बंद है, कूलर भी बंद है, सब बंद है, फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, तो आपका तो थोड़ा दायित्व बनता है ना, क्या कि आप हमारे लेक्चर को अपना समझकर अपने व्हाट्सएप दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ देखो आप अच्छी चीजें शेयर करते हैं ना, अच्छी चीजें तो जो सामने वाले को जिस आपने शेयर की ना, तो उसके पन में एक पॉजिटिव आएगा, यार ये बंदा काम का है, ये अच्छी अच्छी चीजें हमें शेयर करता है, तो आपके साथ जुड़ा रहेगा, आप उसके साथ जुड़ा रहेंगे तो वो आपको अच्छी चीज भेजेगा, यार क्या होता है अच्छाई बांटने से बढ़ती है ना, और विद्या भी ऐसा ही है कि बांटने से बढ़ती है, तो इसीलिए तो मैं बांट रहा हूँ, जाहिर सी बात ऐसा कुछ सोच लीजिए है ना, कि अगर ऐसा होता है विद्या बांटने से घटती या नॉलेज बांटने से घटता, चाहे कौन बांटता है ना, कोई बांटता और कैसे हमारे तक पहुंचता, कैसे आप तक पहुंचता, तो आप जितना बांटेंगे जितना शेयर करेंगे उतना ही आप पॉजिटिव इंसान बनेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप भी एक अच्छे इंसान बनेंगे, तो ठीक है इतना सा हमारा काम करते रहिए और हम आपके साथ दिल से जुड़े रहेंगे, ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन बेहतर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ओके सर्च करके सर्चेबल स्टडी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप समझ लो, 5 अंकों की 3 अंकों की लिख लोगे ना, और इसमें ऐसा कर लोगे ना, सेल्स बजट घटा देना। एक बात यहाँ पर सुन लो, जब आ जाए छोटी से छोटी, चलिए इसको हटा दें क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था कि हमको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए थी, हमारा लासा आया 388। अगर कहता कि 5 अंकों की छोटी से छोटी, तो 1, 2, 3, 4, 5 अंकों में छोटी छोटी वो संख्या क्या होगी, तो हम 388 से भाग कराते। और समझ लो हम लोग जो है यहाँ पर एक ज्यादा लास्ट में एक ज्यादा बार भाग कराते, जैसे हम लोग को देखो कितनी बार जा रहा है अभी, 3 × 9 मतलब यहाँ 288 था, यहाँ पर 3 बार जा रहा है, 3 बार हम लोग इसको ले जाएंगे, 3×8=24, 3×8=24, 2×26, 3×2=6 और 2×8, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा होगा 9, 9 में 6 गया 3, यहाँ बचा होगा 9, 9 में 6 गया 136, 1 0 नोट करते। अब हम कितनी बार ले जाएंगे इसको आप बताइएगा, 3 बार, 3×9=9, 3×4=12, 3×5=15, 4 बार ले जाएंगे, 4×8=32, 4×8=32 और 3×35, 4×2=8 और 3×11। देखो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा होगा 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2। अब ये 288 बचे ना, इनका कोई यूज नहीं, क्योंकि हमको ना एक ज्यादा बार ले जाना था, क्या करना था हमको, हमको ना एक ज्यादा बार ले जाना चाहिए, छोटी छोटी जब बात आ जाए, ध्यान कर लो कान में डाल लो, आप क्या करना है कि जब बड़ी से बड़ी आप बात आ जाए तो हम तो ऑटोमेटिक एक कमी बार ले जाते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं, जो शेष बचे वो हटा दो, लेकिन ये बात ध्यान कर लो जब भी छोटी छोटी हो यार, ये बात समझ में नहीं आती बच्चों के, इसीलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ समझाने के लिए, कि जब छोटी से छोटी की बात करें, कि वह छोटी छोटी संख्या होता है 5 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 2 अंकों की, जितने अंकों का है, ठीक है, तो हम लोग लास्ट में एक भाग ज्यादा बार ले जाएंगे, यहाँ 4 बार ले गए ना, तो अब यहाँ 5 बार ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको एक ज्यादा बार ले जाना होता है भाग, ऐसा क्यों है अभी मैं बता रहा हूँ। तो 5 बार ले गए, 5×8=40, 5×8=44, 5×2=10 और 4=14, हमको चाहिए 1440 और आपके पास है 1360, कितना कमी है, कितना कम है, ये चीज समझिए, हमको 1440 चाहिए और आपके पास 1360 है, कितने की कमी है, 14 में से 6 गया 8, 13, 80 की कमी है, और इस 80 को हम लोग जो 80 की कमी जो ये बचता है, 80 ज्यादा आता है, इस 80 को इसमें ऐड करना है, तो इसमें जब आप 80 को ऐड करेंगे तो आपके रिजल्ट आएगा 10,080, कितना आएगा 10,080, आपने क्यों जोड़ा यार, आप दिमाग लगा के सोचो, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 10,000, आप इसमें से एक घटाओ, पता है जब एक आप घटाएंगे तो 4 अंकों की बन जाएगी संख्या बड़ी से बड़ी, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 5 अंकों की छोटी छोटी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, संख्या में अंतर क्या होता है, एक का होता है, फिर से मैं बता दूं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है, और 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, अंतर एक का हुआ, तो इसीलिए ना, क्योंकि हम इसमें घटा नहीं सकते, जोड़ सकते हैं, जोड़ना क्या है यार, कम बार ले जाओगे तो क्या तुम घटा दोगे जाके, वो एक ज्यादा बार ले जाना है और जितना ज्यादा है वो इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, बाय द वे जो क्वेश्चन आएगा हम लोग समझते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लिखा हुआ है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, समझ में आ गया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लिख लेते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये रही भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे ठीक है 12, 18, 21, 24 में से, 12, 18 लिख लेते हैं नंबर, 12, 18, 21, 24 में से समझ लो लासा, में से प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक से यानी कि इनसे भाग देने पर, भाग देने पर हर दशा में शेष 7 बच जाए, यानी कि अब तो यार हमें ऐसी भी संख्या चाहिए कि उसमें शेष भी बचना चाहिए, अभी तक जो हमने 5 अंकों के पीछे वाला क्वेश्चन किया वो 5 अंकों की संख्या थी, उसमें शेष नहीं बच रहा था क्योंकि हमने कुछ किया नहीं था, तो हमने क्या किया था, लासा निकाला था और जो बड़ी से बड़ी संख्या में भाग कराया, जो शेष बच गया उस शेष को हमने बड़ी से बड़ी संख्या में घटा दिया, वही हमारा आंसर था, अब जो वो आंसर था उसमें अगर शेष बचाना होता तो उसी में जोड़ देते, बस आपका आंसर आ जाता। चलिए आइए देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इनका निकालना पड़ेगा लासा, ठीक है, इनका हमको क्या चाहिए, लासा, तो आइए हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 12 के कैसे करेंगे, 3×4, 18 के 2×9, जब आप कई बार लगाएंगे ना तो आपको रट जाएगा, 18 के 2×9 गलत हो ही नहीं सकता, 21 के 3×7,
24 के 3 गुणे 8, यही नंबर तो आ रहा है, यही नंबर पीछे आया, कितनी बार आ चुका नंबर, ये 3 से 4 बार आ चुका ना। तो आप ज्यादा से 100 क्वेश्चन लगाएंगे ना, जब जब आदमी 100 क्वेश्चन लगाता है तो उसके पास समझ लो उसको एलसीएम रट जाता है, याद हो जाता है याद, इसलिए ठीक है। तो हम करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, और मैथ में ना नंबर पक्का होता है, अगर आपके 30 नंबर आ गए तो 30 में 30 भी लाए जा सकते हैं, ऐसा मैथ में दावा भी आदमी कर सकता है, क्योंकि क्या पूछोगे यार उससे, बात थोड़ी पूछोगे जो हमने पढ़ रखा है, उन्होंने अच्छे से पढ़ा रखा है तो क्या पूछोगे, यही बात सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नंबर इसमें पक्का होता है। आइए हम लोग देखते हैं, तो हमको क्या करना है, वही सबसे बड़ा ले लेना है, तो हमने इसमें 9 ले लिया, ठीक है 9 ले लिया, तो यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, बचा क्या भैया 8 ले लिया, तो यहाँ से 8 गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 4, अब कोई बचा क्या, हाँ 7 बचा, तो बस इसकी गुणा करा लो, यही आपका आंसर है। तो 9 8 कितना होते हैं 72, 72 को जब 7 से गुणा कराएंगे 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 और 50, यानी कि 504 आपका क्या आ गया, लास आ गया। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो सेकंडों में उड़ाएंगे, क्योंकि आप सोचो ऐसे ऐसे लाइन खींचोगे, 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, फिर 7 से काटोगे, तो फिर गुणा कराओगे तब आएगा लासा। तो जो बंदा ऐसा कर रहा है तो यही ना कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे और थोड़ा स्पीड सीखेंगे। तो 504 हमारा क्या आ गया, लासा आ गया। अगर हमारा 504 हमारा लासा आ गया है, और लासा आने के बाद में हमको क्या करना है, इसमें भाग करना है जो बड़े अंक होता है, यहाँ पर छोटी छोटी होती तो हम एक ज्यादा वाले जाते, ऐसा हम पीछे बता चुके हैं। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, आइए हम लोग 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग करते हैं, और भाग करने में बड़ा ही मजा आता है, करें ना बहुत बच्चे छोटे थे, जब छोटे थे तो हम लोग कहते थे सर जी और बड़ा दीजिए और बड़ा दीजिए, और कुछ बच्चे थे सर जी बहुत बड़ा हो गया सर जी अब हम भाग नहीं कर पाएंगे, तो यही वजह रहती है गुणा भाग करने की, जो पहले सीख जाते हैं उनको बाद में समस्या नहीं होती है। तो आइए कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ। तो एक बार जा रहा है ना 504, 9 में से 4 गया बचा 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, फिर हम इसको 9 को डिनोट कर लेंगे, कितनी बार जाता, अब आप इसको 500 मान लिए, 500 मान लिया हमने, और ये है 9 आपका है 49, तो 5 नेम 45, 10 कर दोगे तो 500, यानी 5000 से ज्यादा जाएगा, इसका मतलब ये 9 बार जा रहा है, तो 9 चौक 36 के 6 और 9 गुणे 0, यहाँ पूरा 36 लेना पड़ेगा, 9 फिर 45, अब आप घटा लीजिए, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 423 बचा है, इस 423 को हम क्या करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या में घटा देते हैं, तो 9 में से 3 गया कितना भैया 6, 9 में से 2 गया कितना भैया 7, 9 में से 4 गया कितना 5, और ये पूरा 9 बच गया, यानी कि 95-76 एक ऐसी संख्या है जो 12, 18, 21, 24 में किसी से भी भाग करा के देख लो पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन अभी हमको ऐसी संख्या नहीं चाहिए, हमको इसमें 7 भी बचना चाहिए, शेष जो है 7 भी बचना चाहिए, तो प्लस इसमें हम लोग 7 ऐड कर देंगे, ओके ठीक है। तो भैया 7 और 6 13, 7 6 13, 13 की 3 हंसी लगाइए, तो 7 और 1 हंसी 8, और ये 95, 95-83 हमारा जो इसका आंसर आएगा वो 95-83 आएगा। देखिए ज्यादा कठिन नहीं है, मुझे कुछ समझाना भी होता है तो मुझे कुछ लिखना भी होता है, ये सवाल बहुत जल्दी से लगने वाले हैं, बस आपकी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। हम ये नहीं कि एक क्वेश्चन लिया है तो उस पर हम 10 क्वेश्चन कराते रहेंगे, यही कराते रहेंगे क्या, हम लोगों को पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए आप इस पर प्रैक्टिस करते रहना, और इनको क्वेश्चन लिख के और एलसीएम एलसीएम खूब निकालो इसका जो है, ठीक है। तो आइए एक अच्छा क्वेश्चन जो कि आपके लासा मासा में एक अहम भूमिका रखता है, ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ कि हो सकता है यार कहीं भी पूछ सकते हैं ना, तो हम ये कॉन्सेप्ट भी को नहीं छोड़ना चाह रहे, हालांकि ये क्वेश्चन आने की उम्मीद भी रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8 जिसे 3, 5, 6, 8 जिसे 3, 5, 6, 8 10, 12 से भाग देने पर, समझ लो काम हो गया हमारा, 3, 4, 5, 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर, से भाग का मतलब लासा, ठीक है, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, कितना जी शेष बचे 2, हमको क्या करना है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचाना है, ये सवाल तो हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में,
इनका लाशा निकालो प्लस दो ऐड कर दो। अरे रुकिए तो सही, आगे तो पढ़िए, लिखा हुआ है प्रत्येक दशा में दो शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभाजित हो, परंतु 13 से। हाँ हमको एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको हम 3, 5, 6, 8, 10, 12 किसी से भी भाग करें दो शेष बचे, परंतु अगर हम 13 से भाग करें तो एक भी शेष ना बचे। ये सवाल की लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है, वो ऐसे भी कहेगा 13 का वह गुणज, अब वो भी छोटा छोटा, 13 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष दो बचे। या ऐसे भी आएगा कि 3, 5, 6, 8, 10 वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग करने पर दो शेष बचे तथा 13 से भाग करने पर जीरो शेष बचे। भाई जीरो शेष बचने का मतलब क्या है, डिवाइड होगा। और 13 का गुणज का मतलब क्या है, 13 के गुणज पता है ना, गुणज हमने पहले ही बात की थी मल्टीपल, पहले वाले लेक्चर में आपको थोड़ा सा हिंट हमने दिया था मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल गुणज फैक्टर गुणनखंड। लेकिन हमको 13 का मल्टीपल मतलब गुणज, 13 का वह गुणज क्या होगा, तो भैया 13 का गुणज का मतलब है 26, जैसे 13 खुद एक गुणज है 13 का, 26, 39 ऐसे करके जितना भी फैक्टर है, तो ये 13 के गुणज हैं। ठीक है, ऐसी संख्या हमको 13 का गुणज का मतलब है कि अगर 13 के गुणज का मतलब जैसे 26 गुणज था, हम 13 से भाग करेंगे शेष कितना बचेगा, जीरो से बचेगा ना, इसका मतलब 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, बस यही बात है। चलिए आइए हम लोग 3, 5, 6, 8, 10, 12 का लाशा निकालते हैं। आप माइंड लगा के तुरंत एक ऐसी संख्या बता दो 3, 5, 6, 8, 10, 12 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, बोलो क्या क्या ऐसी संख्या 120 है क्या यार, बताए ये सारी चीजें आ जाएंगी माइंड में। अभी आप लोग 3 से डिवाइड है, 5 से भी है, 6 से भी है, 8 से भी है, 15, 8, 120 होता है कि नहीं होता है, 8 + 8 = 4 हो गया 8, 5, 40, 10 से तो है, 12 से तो है। हाँ यही वो संख्या है जो 3, 4, 3, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम है। ओके तो एलसीएम निकाल लेंगे ना भाई, नहीं आता तो आप ऐसे निकाल लेना ऐसे करके, ठीक सिंपल सी है, एलसीएम निकाल लेना आप लोग, एलसीएम तो निकाल लेना यार, इतना तो करेंगे ना, मैं आपको रास्ते रास्ते बताता हूँ जल्दी से जल्दी से, क्योंकि सारा सिलेबस कवर करना है ना। तो एलसीएम आ गया आपका 120। हाँ अगर किसी की समस्या हो तो कमेंट में लिख दिया करें कि सर जी एलसीएम भी निकाल देना। ओके तो एलसीएम में कुछ नहीं होता, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 तो होता नहीं, ना ही 5 होता है, ये 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 फिर हम लोग 2 से करेंगे डिवाइड, भाई 3 तो होता नहीं, ना ही 5, ये वाला 3 भी नहीं, ये 2 हो जाएगा, ये वाला 5 नहीं, ये 6 हो जाएगा। फिर एक बार हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर 2 है, ये 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये भी 3 नहीं होगा। ओके इस ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3। अब एक बार 3 से भाग करते हैं तो 1 यहाँ, 5 नहीं होगा, यहाँ 1, यहाँ यहाँ 5 नहीं है, यहाँ। अब एक बार 5 से करते हैं, सब एक आ गया। ठीक है, अब जो भी आ गया इनकी सभी हम लोग इंटू करा लेंगे। तो देखो इंटू कराने का भी हमने तरीका आपको बताया था, क्योंकि इंटू जैसे 2 × 2 = 4 × 8 = 24, 5 = 120 होते हैं, हालांकि जिनको नहीं पता उनको समस्या होगी। तो देखो हम लोगों को क्या करना है, देखो हमने कहा था अगर पहले कहीं जीरो बने तो पहले हम जीरो बनाएंगे। जीरो पता है कैसे बनता है, जब 5 और 2 की गुणा होती है, तो देखो 5 × 10 इसको अलग हटा दीजिए, जिससे हमें कोई मतलब नहीं, 10 से गुणा करनी है पीछे जीरो लगा दीजिए, तो 2 × 4 = 12, 12 × 10 120 हुआ ना। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया 120। इसको हम हटाते हैं, ये सारी एलसीएम हम लोगों का कितना है इसका 120। अगर हम इसमें कह रहे हैं कि शेष हमको 2 बचाना है, अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 122। आप 3 से भाग करिए तब भी आपको 2 शेष बचेगा, 3 × 12 शेष बचे 2। 5 से भाग करिए, 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 22 हो गया, फिर 5 × 2 = 20, 2 शेष बचा। 6 से भाग करिए, 6 × 2 = 12, 2 शेष बचा। 8 से भाग करेंगे, 8 × 8 = 4 हो गए 42, 8 × 5 = 40, 2 शेष बचा। किसी से भी भाग करोगे 2 शेष बचेगा, परंतु एक कंडीशन ये भी तो है सवाल में कि 13 से भाग करें 0 शेष बचे, या 13 से भाग करें पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या 13 का गुणज होना चाहिए। क्या देखिए 13 का गुणज है क्या, या इसमें 13 से भाग करके देखिए क्या 0 शेष बचता है। चलिए आइए हम लोग 13 से भाग करते हैं, 13 नहीं जाता है, 13 नेमा होते 117 और 13 दशमलव होता है सीधे 130। 13 नेमा 117, क्या ये 13 से डिवाइड है, जी नहीं है, तो क्या हमारा ये आंसर है, जी नहीं है, इसने आधी कंडीशन बनाई आधी नहीं बनाई, 13 से डिवाइड नहीं कर पाया। तो अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझना, नहीं तो पूरा जिंदगी तुम समझते रहना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं। तो देखिए
क्या है, क्या करना है हमको। देखो जब भी लासा आ जाए, हमने पीछे वाले लेक्चर में आपको समझा रखा है कि लासा में चाहे जितने से गुणा करो, क्या लासा में चाहे जितने से गुणा करो एक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या से, ठीक है। तो जिन संख्याओं का आपने लासा निकाला है वो सदैव डिवाइड होगी। जैसे अगर हम 120 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 12 3 6 360, 360 है, इनसे डिवाइड होगा कि नहीं होगा यार, 100% होगा। तो इसी प्रकार हमको एक ऐसा ऐसी गुणा करो 120 में, ऐसी गुणा करो 120 में और जिसमें हम दो जोड़ दें 13 से डिवाइड हो जाए, ऐसे आप नहीं ढूंढ सकते। देखो इसका आसान तरीका क्या है, हम मानते हैं उसमें हमने जो गुणा किया है वो के से किया है, हमने लिखा 120 के, यानी कि सीधे समझो जो लासा आ जाए उसके साथ में के कर देंगे प्लस जो शेष जितना बचाना, जैसे 2 3 4 5 जितना शेष बचाना, यहाँ तो 2 बचाना है प्लस 2 कर दो, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब k का मान हमको ऐसा ढूंढना है कि ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाए। जैसे k का मान हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इसके लिए भी सरल उपाय है क्या, देखो 120 के प्लस 2 को हमको कितने से डिवाइड करना है, 13 से। तो आइए हम लोग इसमें 13 से भाग करते हैं। देखिए 13 से भाग करने का तरीका समझ लेना, बहुत से मतलब किताबों में टीचर सब कुछ k का मान यहीं पे रखवाते हैं, यहाँ पे यार मत रखो k का मान, क्योंकि यहाँ 2 रखोगे, 2 जोड़ोगे, भाग करोगे, बहुत टाइम लगेगा। आइए इसको बहुत सिंपल करते हैं। तो 13 नेमा 117, देखो 13 नेमा 117 उसको जाने दो, बचा क्या वो देखो, बचा क्या है 3k + 2 बटे में 13। भैया 13 नेमा 17 उसको मैंने सॉल्व कर दिया, उसको हटा दिया। अब k का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, जहां पर 13 से कट जाए वहीं रुक जाना। जैसे हमने k का मान 1 रखा, 3 × 3 = 5, 13 से नहीं कटता। 2 रखे, 3 × 2 = 6, 2 = 8, 13 से नहीं कटता। 3 × 3 = 9, 2 = 11, 13 से नहीं कटता। 4 × 4 = 12 और 2 = 14, 13 से नहीं कटता। 5 × 5 = 15, 2 = 17 नहीं कटता। 6 × 6 = 18, 2 = 20 नहीं कटता। 7 × 7 = 21 और 2 = 23 नहीं कटता। 8 × 8 = 24 और 2 = 26, 13 × 2 = 26। इसका मतलब k का मान कितना आ गया, बोलो जी बोलो, कहना पाना, k का मान आया 8। तो 8 × 3 = 24 और 2 = 26, तो 13 × 2 = 26, k का मान कितना आया 8। तो बस हमारा ये आंसर था। तो हम इसमें आंसर रखेंगे 120 × 8 + 2, 8 कहां से आया समझ पाए, तो 12 8 96 960 + 2 962, यानी कि जो हमारी ऐसी संख्या है बड़ी अच्छी ये संख्या है 962 है। आप 3 से भाग कराइए आपको 2 से बचे, आइए करा के देख लेते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, बचा से कितना 2, चाहे जैसे कराइए। अब इसको आप 13 से भाग कराइए, पूरा डिवाइड होगा 13 से भाग करने पर, ठीक है। तो ये है हमारी संख्या। फिर से हम एक बार एक सवाल बता देंगे, एक सवाल अभी जस्ट हमारे पास आया है मैसेज में और उसको बताने के लिए कहा गया एलसीएम एचसीएफ से, ठीक है। तो अभी हम उस सवाल को यहाँ पर पढ़ते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। फाइनली में क्या करना है, एलसीएम लेना है। हमें समझाने भले ही टाइम लगा हो, लेकिन जब आप करेंगे, देखो खाना खाने और खिलाने में टाइम लगता है, खिलाने के जाएंगे तो आदमी कहेगा यार हमने खाएंगे पेट भरा है या अभी हम खा के आए, खाने को खींच दो पकड़ के ना। यहाँ पर समझना, 3 5 6 8 10 12 का एलसीएम लेंगे और इनटू में के रखेंगे प्लस जितना शेष, यही हमारा आंसर है। और इसको हम लोग अलग से डिवाइड करा के देख लेंगे, यहीं पर नहीं अलग से डिवाइड करा के देख लेंगे, और जितना 13 नेमा 17 इसको हट गया वो हट जाने दो, बचा क्या वो लिख लेंगे 3k + 2। अब हम छोटा छोटा वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5, दिमाग अच्छा एक ही बार में इसी वैल्यू रख दो, 8 3 24 2 26 13 2 26, है ना। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन जो आया है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए, हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो रखा हुआ है आपको, मैंने सोचा था आ गया है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अन्यथा मैं हर एक टाइप का अभी मैं एक ही सवाल लेने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सवाल का अगर प्रैक्टिस आपको कराने लगा तो लासा मासा के 200 सवाल है जो कि आपके लिए टाइम आपका ज्यादा लेंगे और आपके पास टाइम है नहीं, क्योंकि एक महीना बचा है, एक महीने के अंदर सारी चीजें हम लोगों को करना। आइए देखते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, आप ध्यान से पढ़ना। देखो कहा गया है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, देखो अभी हमने बताया 3 लैंग्वेज हो सकती है, कहेगा वह छोटे छोटा 7 का गुणज, या कहेगा 7 से भाग करने पर शेष 0 बचे, या कहे कि 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तीनों एक ही बातें हैं। 7 का वह छोटे छोटा गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18, जिसे 6 9 15 18, देखो से लगा है कि नहीं लगा, से लगा कि नहीं, से लगा तो क्या निकालोगे, मासा निकालोगे, नहीं लासा निकालोगे। से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, कितना शेष बचे 4, हमको 4 शेष बचाना है और 7 से पूरा भाग कराना है। ऐसा सवाल अभी हमने डिस्कस किया कि नहीं किया, आप हाँ बोलो, अगर घर में बैठे हो तो भी हाँ तो बोल ही सकते हो, ठीक है। तो 6 9 15 18 का हमको क्या लेना पड़ेगा, लासा। तो भैया तुरंत एक ऐसी संख्या बोल दो जो 6 9 15 18 से भाग चला जाए, क्या हम 90 लिख दें, क्या
क्या 90 लिख सकते क्या? 6 से डिवाइड होता कि नहीं, 9 से डिवाइड होता कि नहीं, 15 से डिवाइड होता कि नहीं, 18 से होता कि नहीं? बड़े आते होते हैं तो आप कहेंगे हाँ सर होता है, नहीं है तो आप निकाल सकते हैं लासा। आइए हम निकाल के आपको फिर से बता देते हैं। तो हम लोग इसको सब तीन का मल्टीपल है, हम लोग पहले इसको तीन से डिवाइड करेंगे, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, तिपस पंद्रह और तिछा अठारह। फिर हम इसको तीन से डिवाइड करेंगे, दो तो होता नहीं लेकिन तीन एकम तीन, पांच एकम पांच, तीन दूनी छह। फिर हम इसको दो से डिवाइड करेंगे, ओके, दो एकम दो, यहाँ भी एक, यहाँ पांच, यहाँ एक। फिर बचा पांच से, तो भैया आइए हम एलसीएम ले लेते हैं, तीन तिया नौ, ठीक है, तीन तिया नौ, नौ दूनी अठारह, या ऐसे कह सकते हैं तीन तिया नौ, दो पंचे दस, नौ गुणे दस नब्बे, ठीक है, इसका लासा कितना आ गया नब्बे, या तीन तिया नौ दूनी अठारह पंचे नब्बे, ऐसे जैसे, क्योंकि गुणा ना आगे पीछे जहां जैसे गुणा करो आपका आंसर थोड़ी बदलने वाला है। कोई कहता है क्या कि आप पहले बड़ी बड़ी गुणा करो या छोटी छोटी करो? नहीं, जैसे तीन गुणे दो बोलो छह, दो गुणे तीन बोलो छह, कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ नहीं पड़ा, इसीलिए हम गुणा आगे पीछे जैसे हमको अच्छा लगता है वो ऐसे हम करते हैं। तो इसका एलसीएम जी कितना आया नौ। क्या हम शेष चार जोड़ दें? अगर आप आंसर चौरानवे कह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि सात से डिवाइड नहीं होता, सात एकम सात बच गए दो हो गए चौबीस, सात से डिवाइड नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ता है? अभी आपको बताया हमने, कहा सात में मान लेंगे के प्लस जितना शेष चार है यहाँ पर शेष, यही हमारा आंसर है। और इस के का मान हम अलग रख के सॉल्व कर लेते हैं, इसको 90 के प्लस 4 और बटे में कितना 7 से भाग कराना है, क्योंकि 7 का गुणज है और 7 से भाग करने पर 0 शेष बचे, या गए 7 का गुणज, ये चीज ध्यान रखना, भूल मत जाना वहां, ठीक है। तो आइए हम भाग कर लेते हैं, जो भी भाग कर 7 से भाग होकर हट जाएगा उसको हटा देते हैं। देखो 7 एकम 7 बच गया कितना 2, हो गए 20, 7 दूनी 14 बचा कितना 6, तो 6 के प्लस 4 बटे में 7। अब इसको हमसे मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं, या जो बचा वो हमने फिर से एक बार ध्यान देना, सात से हमने भाग करके हटा दिया, देखो सात एकम सात बच गया दो, हो गए 20, तो सात दूनी 14 बचा 6, अब नहीं जाता सात से, इसलिए हमने अलग इसको लिख लिया प्लस 4। अब के का मान एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, चार रखेंगे, एक से काम चलना ही नहीं है, 6 एकम 6 6 प्लस 2 रखो, 6 दूनी 12 और 4 16, सात से कटता नहीं कटता, 6 दूनी 12 4, 3 रखो 6 3 18 और 4 22 नहीं कटा, 4 रखो 6 चौक 24, 4 रखना है ध्यान रखना, 4 6 चौक 24 और 4 28 और 7 चौक 28, इसका मतलब k का मान 4, k का मान आ गया ना 4, ध्यान रहे। अब 4 यहाँ रख दो, तो यहाँ पर जब 4 रखोगे तो 90 गुणे 4 प्लस 4 9 चौक, ऐसा मत कर देना 4 4 8 9 उठे 72 720 आंसर ला दो यार, तुम बड़े जो है 4 नेम 36 360 ये प्लस 4 ये 364, ऐसी वो संख्या कौन सी है 364 है, 6 9 15 से चार जैसे भाग कराओ आपको 4 से बच जाएगा। आइए हम 15 से भाग करा के देखते हैं, या जिससे भाग करा के देखो, 15 दूनी 30 बचे गए 6 हो गए 64, 15 चक्कू 60, 4 से बचा 7 से भाग करा के देखिए, 7 बचे 35 बचा 1 हो गए 14, 7 दूनी 14 डिवाइड हो गए, तो यही वो संख्या। आई होप हम इस टाइप का सवाल आपको सिखा पाए होंगे, और भी जो सवाल हैं वो अभी आपके सीक्वेंस में लगे हैं, सारे सवाल आपके साथ पहुंच जाएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ हाईवे क्लासेस पर, और यकीन मानिए आपको मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा यूपीटेट का। आइए हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन अपने पढ़ाते हैं और अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इनमें से संभावना भी रहेगी कि आपके एग्जाम में आने से ज्यादा ज्यादा चांसेस रहे, क्योंकि यार कोई भी क्वेश्चन हो आप कह नहीं सकते ना कौन सा एग्जाम में आ जाएगा, अगर हम सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, लासा मासा के बेसिक से क्वेश्चन है, इनको तो सबको आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है इनका सोल्यूशन और इनको हमको कैसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो ये बनी रखी है आपके भिन्न, यानी कि भिन्नों का हमको चाहिए क्या मासा। अगर आपको भिन्नों का मासा चाहिए तो ध्यान देना, भिन्नों का मासा क्या होता है, भिन्नों का मासा जो होगा उसको जैसे अंश का मासा, अंश का मासा और हर का लासा, ठीक है, क्या करना है हमको, अगर आपको मासा पूछे तो ऊपर का मासा ऐसे याद रख लेंगे हम लोग, अगर आपको याद नहीं है तो याद होगा, अगर मासा हम लोग कहें तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा, अगर हम बात करें भिन्नों का लासा की बात कर लें तो अंश का लासा हो जाएगा और हर का मासा हो जाएगा,
ये चीज है। ठीक है, क्या करना है, अगर लासा पूछे तो ऊपर का लासा, मासा पूछे तो ऊपर का मासा। अगर कोई चीज ऊपर की हो गई तो जस्ट अपोजिट उसके हो गया, अगर ऊपर मासा है तो नीचे लासा होगा, ऊपर लासा है तो नीचे मासा होगा। इसी तर्क पर हम लोग अपना क्वेश्चन से लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दे रहा है कि हमें 14, 42, 21 का मासा, यानी कि सबसे पहले ऊपर का हमको क्या निकालना पड़ेगा, मासा। तो 14, 42, 21 मासा। एक ऐसी आप हमें संख्या बता दीजिए जो इन सभी संख्याओं को काट दे, पूरा पूरा काट दे, बड़ी से बड़ी हो। ठीक है, तो अगर आप देखें 7 से अगर हम भाग किया तो 7 × 2 = 7, 6 = 42, 7 × 3 = 21, यानी कि 7 वो संख्या थी जिसने सभी को डिवाइड कर लिया। अब ये लोग आपस में नहीं डिवाइड होते हैं, देखो 3, 2 नहीं डिवाइड हो रहा, अगर ये हो जाता तो कहीं ना कहीं कुछ और भी संभावना होती। ये 7 निकालें कैसे, अगर आप सिंपल विधि से निकाल लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम लोग लासा निकालते हैं ना वैसे हमने मासा निकालने के तरीके बताए, जैसे हम लोग लासा निकालते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने डिवाइड किया 7 × 2 = 14, 7 × 6 = 42, 7 × 3 = 21। अब हम लोग तभी मासा अगर आप निकालें तभी आगे बढ़ना जब कोई नंबर तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर आपके पास नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे, कोई नंबर नहीं है आपके पास, तो इसीलिए हमारा मासा होगा 7। आगे बढ़ोगे तो लासा निकाल दोगे तुम लोग, तो मासा हो गया 7। तो हमने ऊपर लिखा 7/2, नीचे का लासा 33, 55, 22 का लासा। आइए हम लोग 33, 55, 22 का लासा निकालते हैं। 33, 55, 22 का लासा निकाला हमने, तो इसको हम लोग 11 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22। सवाल ये उठता है 11 से ही क्यों, क्योंकि 11 के मल्टीपल सारे थे और 11 से आसानी से कट गए। तो आइए और भी हम अच्छा आगे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी आपस में नहीं कटता, सबकी गुणा होती है। जैसे हमने कहा 3 और 5 का लासा 15 होगा, जब कोई संख्या आपस में न कटे तो उनका गुणन ही उनका लासा कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग इनकी सीधे गुणा करेंगे, 5 × 2 = 10, इसको यार ऐसे रखो 10 को कुछ नहीं करना। तो 11 × 3 = 33 और ये 10 330 यहाँ लिखते हैं, ये हमारा आंसर होगा 7/330। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग लगाएंगे, हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहा हूँ। तब भी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास मैसेज आया कि सर थोड़ा कठिन हो रहा है, कठिन नहीं हो रहा है यार मेरे, थोड़ा प्रैक्टिस सेट लगा के तो देखो। ठीक है, तो उसमें मैंने जिस हिसाब से एनालिसिस किया है उसी हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन छोड़ के आए। थोड़ा मेहनत करके पढ़ना, ऐसे पढ़ना कि लगे कि लास्ट टाइम पढ़ना है। ठीक है, फिर दोबारा तुम्हारा टीटी का पेपर देने का मौका ना मिले, क्यों, क्योंकि इसी बार में हमको निकालना है, ऐसे पढ़ना। चलिए आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और वो लासा आपको निकालना है। अगर आपको भिन्न का लासा निकालना है तो सबसे पहले हम कहेंगे भिन्न का लासा निकालना है तो ऊपर का लासा निकाल लीजिए, नीचे का मासा निकाल लीजिए, ऊपर का लासा नीचे का मासा। तो भैया 11, 55, 33, 44 का हम लोग लासा निकालने जा रहे हैं, क्योंकि अंश का पहले लासा निकालेंगे। अब देखो 11 का मल्टीपल है, समझ में आ रहा होगा 11 × 11, 11 × 5, 5 × 11, 33, 33, 33, 34, 44। मतलब कोई किसी को कॉमन लग रहा है क्या, कोई किसी को कॉमन लग रहा है, कोई किसी से कट रहा नहीं कट रहा, तो सीधे गुणा कर दे, कर दे भाई 5 × 20 और 20 × 3 = 60, 60 यहाँ आ गया, 11 × 6 = 66 और 1 0, 660 आपका लासा हो गया। अब 14, 42, 35, 63 का हमको क्या निकालना है, मासा। कितने का, 14, 42, 35, 63 का मासा भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, जहां वहीं तक काटना जहां तक एक ऐसी संख्या लो जो सबको काटती चली जाए। तो हमको लगा कि 7 × 2 = 14, 7 × 6 = 42, 7 × 3 = 65। अब एक ऐसी संख्या लो जो इन सबको काटे, कोई संख्या है ही नहीं है वैसी, 2, 6, 5 कोई नहीं संख्या, सबको काटना चाहिए तो कोई नहीं। तो हम इसका आंसर करेंगे 660/7, क्योंकि भिन्न का लासा क्या होता है, अंश का लासा और हर का मासा, हर का मासा या 7। तो इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा 660/7। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखना, यहाँ पॉइंट यानी कि दशमलव का हम लोग कैसे मासा और लासा निकालेंगे। यहाँ सबसे पहले हमको मासा निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग लासा निकालेंगे, दशमलव का हम लोगों को कैसे निकालना है आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 1.75, फिर हमने लिख लिया 5.6 और फिर लिख लिया हमने 7। हमने क्या निकालना है, मासा। इसको हम लोग भिन्न के रूप में बना ले, और फिर अगर मासा पूछे मासा निकाल दे, हमने पहले मासा सवाल सीखा है। तो हम यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटा के यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे 1 है, सबके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको काट दें, 25 × 150 = 25, 7 बार करा 25 = 100, यहाँ पर आ गया 7/4। यहाँ से काट दें 2 से
28 का आधा यानी 2 दूनी 4 2 8 16 यहां कट है, यहां आ गया 28/5, यहां है 7/1। ये 7/1 एक मतलब सही होता है। अब देखिए जो भिन्न बने है आपकी भिन्न, अभी हम लोगों ने ऐसा सवाल सीखा कि नहीं सीखा, अभी हम लोग इसका क्या निकालना है, मासा। तो मासा निकालना है तो सबसे ऊपर पहले मासा, तो मासा क्या होता है सभी में होता है, यानी कि मतलब सभी से कट जाए तो 7 × 7 = 28। देखो 7 = 28, 7 का जब आप मासा निकालेंगे तो 7 × 7 = 28। अब ऐसी कोई संख्या है नहीं, केवल 7 ही हो गया इसका मासा, 7 × 28 = 7 मासा हो गया। लासा नीचे का 4, 5, 1 का लासा पता है, ये लोग आपस में कट करते 4×5 = 20, ये हमारा आंसर है। बट हमारा आंसर दशमलव में आ रहा है, तो इसको हम लोग दशमलव में कैसे लिखेंगे वो चीज देखिए। देखो जीरो से हमको भाग नहीं करना होता है, ये चीज आप समझ लें, अभी समझा दूंगा मैं आपको। पहले आप 2 से भाग करिए 7 में, जब 2 से भाग करेंगे 2 × 3 = 6, अब जाता नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 1 बचा होगा 2×5 = 10। अभी भी नीचे आपका 10 बचा कि नहीं बचा, अभी हमने 2 से ही तो भाग किया, अगर आपको 10 से भाग करना है तो दशमलव ये हटकर तो ये यहाँ पर आएगा ऐसे करके, दशमलव एक इधर को बढ़ेगा, उधर को नहीं बढ़ेगा इधर को बढ़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आपका लिखा हो 35/100 तो हम लोग इसको पता है कैसे लिखेंगे, 0.35। अगर ना समझ में आया हो तो इतना तो आप कह ही सकते हो कि दशमलव हटा के 0 हटा सकते हैं, अभी हमने बताया 35/100 को हम लोग क्या लिखेंगे 0.35, एक ही बातें हैं दोनों को सेम। इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं 14 नंबर को। आइए हम लोग देखते हैं क्या करना है, हमको भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सिंपल करते हैं, 0.36 और लिखा हुआ है 1.2 और लिखा हुआ है 4.8 का हमको चाहिए लासा, इसका मतलब लासा है, पहले तो हम इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ से पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो कट जाए उसको काट दो, 4×36 और यहाँ 25 आ जाएगा, तो 9/25। यहाँ इसको हम लोग काटेंगे 2×12 = 2×5 = 10 यानी कि 6/5 आएगा। यहाँ हम लोग इसको काटेंगे तो 2 से काट देते हैं, यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 5 यानी कि 24/5। तो हमको तो चाहिए लासा, तो इसका मतलब भिन्न का पहले हम ऊपर अंश का निकालेंगे लासा, फिर निकालेंगे मासा। तो 9, 6, 24 का हम लोगों को क्या चाहिए लासा, यार ऐसे ही बता दो 9, 6, 24 का, ऐसी संख्या सोचो 9, 6, 24 दोनों से कट जाए तीनों से, तो हमने तुरंत लिख देंगे 72 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है। अगर 24 ना होता तो 36 हम लोग लेते या 18 लेते, ठीक है। फिलहाल इसका लासा कितना है 72। अब हम लोग मासा लेंगे 5, 5, 25 का मासा होगा 5, ये हमारा आंसर है। बट हमारा आंसर दशमलव में आ रहा होगा तो हम लोगों को इसको भाग करना पड़ेगा, तो 5 × 5 बच गए 2 हो गए 20, 5×20 फिर भी 2 बच गया, लगाया दशमलव हो गए 20, 5×20 14.4, ये हमारा आंसर रहेगा इस केस में। दोनों आप चारों सवाल आप समझ लीजिए, ये थे आपके भिन्न पर आधारित। एक क्वेश्चन हमने और आपके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लासा मासा का मिक्स क्वेश्चन है, आइए इसको भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का लासा 1920 तथा मासा 16 है, एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा, ये कॉन्सेप्ट है, इसको रट लीजिए, ये फार्मूला समझ लीजिए, और हमने अपने लेक्चर्स में पहले बताया भी कहां से आया है, तो इसको ध्यान रखें। क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, 2 संख्याओं का लासा कितना दिया गया है 1920 रिटर्न नहीं है ध्यान रखें, तथा मासा कितना है 16 है, एक संख्या 128 है, तो भैया एक संख्या की जगह पर दूसरी संख्या पूछी, चाहे दूसरी रखो या दूसरी संख्या को यहाँ पर x मान लो, जो आपको इच्छा करे आप वो करना, ठीक है। देखिए आइए इसको हम लोग काट लेते हैं, कितने से काटे 16 से काट देते हैं, तो बताइए 16×8 = 128, फिर 8 से इसको काट देते हैं, 8×2 = 16 = 3, 8×32 तो x बराबर आ गया 240, ये रहा आपका आंसर, ये दूसरी संख्या आपकी रही 240, ओके। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आई होप आपको लासा मासा का ये सीरीज अच्छी लगी होगी। आशा करते हैं आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करें जल्दी से पहले, और आपके साथ शेयर करें। जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।